BTC रिक्वायरमेंट 2024 रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फ़ॉरेस्टर वन एंड फॉरेस्ट गार्ड पोजिशन का रिक्वायरमेंट आया था तो फ्रेंड्स आपका जो रिक्वायरमेंट आया था तो आपका नेम ऑफ आप पोजीशन जो आपको फॉरेस्ट

इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाइवा वॉइस टेस्ट लिया जाएगा तो आपका थ्री स्टेज में सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड वाइवा वॉइस टेस्ट तो आप लोगों को पता चल गया जो थ्री स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है फर्स्ट आपको एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पास करने से आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा तो जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है तो वो भी हम लोग देखेंगे कि आपको क्या फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा इसके बाद आपका वाइवा वॉइस टेस्ट होगा तो वाइवा वॉइस आपका जो होगा जनरल नॉलेज के ऊपर रिलेटेड रहेगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा तो वो होगा वाइवा वॉइस में तो फर्स्ट आपका जो

तो ये फर्स्ट आपका बेसिक सिलेबस है कि आपका क्या क्या है वो हम लोग देख रहे हैं इसके बाद जो सिलेबस है आपके एग्जामिशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन अदर वीडियो में तो आपका क्या क्या सिलेबस है जनरल नॉलेज जनरल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ऑफ हाई सेकेंडरी लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा फॉर फॉरेस्टर वन एंड एच एस एलसी स्टैंडर्ड फॉर फॉरेस्ट गार्ड तो फ्रेंड्स ये जो आपका है रिटर्न डेज आपका टॉपिक्स है जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स इंग्लिश ये हाई सेकेंडरी लेवल के लिए रहेगा जो आपका फॉरेस्टर वन का पोस्ट है इसका जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो पोस्ट है तो फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए आपका एच एस एलसी स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा जो आपका क्लास लेवल और आपका जो फॉरेस्टर वन है वो आपका क्लास ट्वेल्व लेवल करेगा रहेगा जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका क्लास टेन लेवल का मैथमेटिक्स और इंग्लिश रहने वाला है तो आपको सिलेबस पता चल गया सिलेबस क्या है तो आपका दोनों का जो फॉरेस्ट वन और फॉरेस्ट गार्ड जो है दोनों का सिलेबस नॉलेज इंग्लिश जस्ट पे एक डिफरेंस है कि आपका जो और वन के लिए आपका एच एस एल सी स्टैंडर्ड का रहेगा जो क्लास टेन लेवल का है इसका जो आपका है फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे आपका देगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट कॉम्प्राइजिंग ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर फॉर मेल एंड सिक्सटीन किलोमीटर फॉर फीमेल ऑफ वॉकिंग तो आपको वॉकिंग करना है कितना 26 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और 16 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए ठीक है तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यही है 26 किलोमीटर वॉकिंग एंड सिक्सटीन किलोमीटर वॉकिंग तो ये जो वॉकिंग आपका है कितना ड्यूरेशन में करना है तो यहाँ पे दिया गया है विदिन फोर आवर्स फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन तो विदिन फोर आवर्स आपको ये वॉकिंग कंप्लीट करना पड़ेगा 26 किलोमीटर मेल कैंडिडेट और 16 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा आफ्टर वॉकिंग ठीक है तो आपको फोर आवर्स में ये ए... किलोमीटर वॉकिंग करना पड़ेगा 26 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर वॉकिंग होगा मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसके बाद आपका वॉकिंग कंप्लीट होने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो यही आपका स्टेज टू में आपका सिलेक्शन होगा फर्स्ट स्टेज अगर आप लोग क्लियर करते हो तभी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा अगर फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद सेकंड स्टेज में भी आप लोग क्लियर करते हो आपको लोग पास कर लेते हो तो आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा वाइवा वॉइस टेस्ट तो वाइवा वॉइस टेस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका कुछ पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा अगर उसमें आप लोग क्वालिफाई करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा

एंड किलोमीटर फॉर फीमेल में कवर करना पड़ेगा within 4 hours. इसके बाद आपका के बाद आपका होने के मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के बाद आपको देना पड़ेगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा तो टोटल तो 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 आपका थ्री स्टेजेस का सिलेक्शन रहने वाला है तो, तो सारा चीज आपको पता चल गया कि आपका क्या स्टेजेस का सिलेक्शन रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर इसके बाद आपका जो सिलेबस है सिलेबस भी आपका क्या रहने वाला है तो मैंने दोनों पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दिया तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के साथ वीडियो अच्छा लगा वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियो इन्फॉर्मेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब बेल बेलकन को प्रेस करके रखा जब इन फ्यूचर इसी तरह इफॉर्मेशन कंटेंट इन्फॉर्मेशन नोट रिलेटेड वीडियो आपके लिए आएगा तो आप लोग को इंस्टेंटली मिल जाएगा और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर ना हो चैनल पे फर्स्ट टाइम लिए विजिट किया हो तो इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियो इनफॉर्मेशन कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर करके जब फ्यूचर आपके लिए इसी तरह इंफॉर्मेशन कंटेंट आएगा तो आप लोग को इंस्टेंटली मिल जाएगा और फ्रेंड्स आपको कहीं पर कुछ डाउट हो कुछ प्रॉब्लम हो और या फिर किसी डाउट के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा आपका डाउट क्लियर कर दूंगा आपका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैं कोशिश करूंगा तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट इनफॉर्मेशन नोट रिलेटेड वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत